दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संस्कार एग्रो यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग अभी एक फार्मर्स के यहाँ विजिट में आए हैं और इसमें बहुत सारे क्रॉप्स लगे हुए हैं। तो ये पोटैटो का है और इसमें ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ये पता चला कि जो ये पत्ती है, इसमें कुछ बहुत जो पत्ती है वो ऊपर से मुड़े हुए हैं। तो आप इसे पॉज करिए और बताइए कि इसमें क्या सिम्टम्स है और इसमें क्या डिजीज लगा हुआ है। अगर पॉज कर लिए, अगर आपको संदेश है कि इसमें पोटैटो लीफ रोलर वायरस है और ये वायरस जनित रोग है। अगर ट्रांसमिटेड की बात करें तो ये एफिड के द्वारा होता है। सिम्टम्स में क्या है कि सिम्टम्स में आपको ऊपर से मुड़ा हुआ दिखेगा। दूसरी बात, इसमें अगर पत्ती को तोड़े और मसले तो आपको नजर आएगा कि इसमें टूट फूट जाएगा। दूसरे पत्ती के कंपेयर में आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा। और इसमें एक बात और बता दो दोस्तों, अगर लीफ जो है, ये पत्ती जो है, अगर नीचे से मुड़ा रहता तो ये समझ जाइए कि ये माइट का अटैक है। माइट दरअसल का अटैक जहाँ भी रहता है, ये पत्ती जो है नीचे से मुड़ी हुई नज़र आती है। तो ये जो है पोटैटो लीफ वायरस का है और ये ट्रांसमिटेड होता है एफिड से। एफिड दरअसल क्या करता है, इन्फेक्टेड प्लांट में अगर वो अटैक किया हुआ है, अगर वो सेल सैप को सक कर रहा है तो दूसरे प्लांट को वो सेल सैप करेगा तो वहाँ पर वो ट्रांसमिट कर देता है। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले प्रिवेंशन मेथड में हम लोग सबसे पहले क्रॉप को डिस्ट्रॉय कराते हैं, उखाड़ के उसको किसी फील्ड में दबवाते हैं। और दूसरी बात, अगर केमिकल में जाएँ तो किसी भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का यूज़ करवाते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल का मैजिक नाम से आता है, सुपरफूड का खम्बा नाम से आता है। तो बहुत सारे अलग अलग सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड हो गया, उसका यूज़ कराते हैं, जिसका यूज़ करा के आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसी टाइप से आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मैं बताऊंगा। पूरा 45 दिन का कोर्स है जो मात्र 499 में आपको कोर्स प्रोवाइड हो रहा है। तो नीचे दिए लिंक पे टच करिए या मुझे कॉल करिए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, क्योंकि ये जो कोर्स है ये 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दूसरे किसान भाइयों के साथ या दूसरे लोगों के साथ आप शेयर करिए। चलिए जल्दी से मैं मिलता हूँ, थैंक यू, बाय।